एक दिवसीय मेले के साथ आज माताजी का विशाल भंडारा मंदिर में पूजन और हवन में पूर्ण आहुति के पश्चात शुरू किया गया। भंडारे में आसपास के 20 से ज्यादा गांव के 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने मां मेणी माता के दर्शन कर प्रसादी ली। बड़वानी, अंजड़, राजपुर, पलसूद और महाराष्ट्र तक के लोग पूजन व भंडारे में शामिल हुए, मेले का जमकर आनंद लिया। वहीं बच्चों व महिलाओं ने भी मेले में तरह तरह के झूलों का लुत्फ उठाया। समिति सदस्यों ने ग्राम के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने माता के इस आयोजन को हर वर्ष की तरह सफलतम संपन्न किया। जुलवानिया से रवि महाजन की रिपोर्ट। क्या नाम है? राकेश सेन। किस तरह का आयोजन है ये? माँ मेरी माता का भंडारा में एक दिवसीय मेला भी रखा जाता है। ये 7वां वर्ष है माता जी का भंडारा मेले का। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? पूरे क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण इलाकों से 15-20 गांवों से लोग आते हैं। कितनी प्रसादी बनी? प्रसादी यहाँ पर 15 क्विंटल आटे की पूड़ी और 12 क्विंटल की वो 15 क्विंटल की सब्जी, कद्दू की सब्जी है ना, और 11 क्विंटल की रोटी। मिनिमम कितनी पब्लिक आती होगी? पब्लिक यहाँ 20 से 25 हजार पब्लिक आयोजन होता। क्या नाम है आपका? मुन्ना भारती। क्या चमत्कार है माता जी? माता जी का चमत्कार ये है कि माता जी पहले धन देती थी, पैसा बांटती थी। मेरे पिताजी और दादाजी के टाइम पे पैसे बांटती थी और जो भी मन्नतें लेके आते थे लोग उनकी मन्नतें पूरी होती थी यहाँ पे। और कोई चमत्कार? और आज भी होती है, आज भी लोग लाखों में आते हैं यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, मन्नतें मांग के जाते हैं, मन्नतें पूरी होती है लोगों की। और मंगलवार विशेष कर दिन है और शुक्रवार माता जी का यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। पौधारोपण किया गया आज आपने? जी, किस उपलक्ष्य में? यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का जन्म दिवस है, इसी सेवा दिवस के रूप में आज हमारे मेणी माता मंडल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आज माता जी का भंडारा भी, साथ में हमारी मेणी माता जो एक प्रसिद्ध माता जी है उनका हर वर्ष के तहत आज भी भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अच्छे से और माता जी के आशीर्वाद से हर साल बढ़ते जा रहा है और सभी को आशीर्वाद माता जी द्वारा दिया जाता है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर? आसपास सभी ग्रामीण, सिलावाद, पलसूद, मेणी माता, सभी दूर से आते हैं लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।